अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू टेन माय पॉकेट न्यूज़। आजकल बहुत फैल रही है, चल रही है, और पीएमडीसी ने जैसे अपनी पॉलिसी न्यू पॉलिसी डिलीट की है, एंड नो वन नोज़ दैट कौन सी पॉलिसी अब वैलिड होगी। इसलिए मैं लाइव स्ट्रीम पे आना चाह रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में इंटरनेट बहुत वीक है, इसलिए आई कैन टॉक इन देयर। बट लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि विच पॉलिसी इज़ बेटर, दोनों पॉलिसीज़ में हाई मार्क्स को या लो वाले मार्क्स को उनको कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं एटा के, इसका मतलब ये है कि यू गोना क्वालिफाई। आपके एफएससी के मार्क्स भी अच्छे हैं, इट मीन्स यू गोना क्वालिफाई। लाइक जो लोग 82 से ऊपर है, मतलब 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 10 वट एवर दैट इज़ 90, तो वो ये जो लोग हैं, ये लोग जो हैं वो सेफ जोन में हैं। स्पेशली 82, 83 फिर भी शायद ऊपर नीचे आए, 82 फिर भी नीचे आए अगर आपके ईटा के मार्क्स कम हैं, तो वो थोड़ी सी नीचे आएंगे। लेकिन वो लोग जो बहुत कम हैं, तो वो नीचे रहेंगे, थोड़े से ऊपर नीचे हो जाएंगे, या इधर से भी ऊपर नीचे हो जाएंगे, या ये होगा कि एक कॉलेज में अगर एडमिशन होता है तो दूसरे में चले जाएंगे, शायद आपका के एम यू में होता है तो आप ए एम सी में चले जाएंगे। सिर्फ यही एक फ़र्क होगा, बाकी कोई फ़र्क नहीं, बाकी देर इज़ नो प्रॉब्लम। एनीवे, तो वो लोग जो एज पे हैं, 82, 83, 81, 80, ये जो लोग हैं ये सिर्फ डिस्टर्ब होंगे, रेस्ट ऑफ ऑल दे विल नॉट डिस्टर्ब। तो विच पॉलिसी इज़ बेटर, अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं ये कहूँगा कि जिन लोगों के एफएससी के मार्क्स अच्छे हैं उनके लिए न्यू पॉलिसी इज़ बेटर, जिनके एफएससी के मार्क्स अच्छे नहीं है तो उनके लिए ओल्ड पॉलिसी इज़ बेटर। बट द पॉलिसी इज़ पॉलिसी, नाउ वी डोंट नो दैट विच पॉलिसी विल बी फॉलोड बाई पीएमडीसी दिस टाइम। एनीवे, लोगों का माइंड बन गया, बट दिस इज़ वेरी बैड थिंग। यू नो, आप मैंने उस दिन भी बताया था कि जो मेडिकल वाले हैं इनके साथ हर साल कोई ना कोई नाइंसाफ़ी होती है, इनके साथ हमेशा ये उनको टेंशन देने की आदि हो गए हैं, और आप लोग भी टेंशन लेने की आदि हो गए हैं। मतलब वो किसी न किसी तरीके से आपको टेंशन देते हैं, कभी पॉलिसी चेंज करके, कभी लीक करके, कभी डिले करके, कभी ये करके, कभी वो करके, कभी, मतलब इस दफ़ा कोई नया ड्रामा नहीं हुआ लीकिंग शेकिंग का, तो इसलिए ये ड्रामा हुआ। ओल्ड पॉलिसी, न्यू पॉलिसी, सेंट्रलाइज सिस्टम, नॉन सेंट्रलाइज सिस्टम, ये सिस्टम, वो सिस्टम, व्हाट द हेक इज़ दिस। Like you will agree with me. If you agree with me that yeah, they always give tension to the medical students, do comment and do protest against this. Anyway, they should announce the new policy for the new or old policy, whatever the policy is, for the next year from now. Ke next year jo bachche aa rahe hain, whatever they happened now, but next year jo log test denge unke liye koi dard-e-sar na ho. Milenge ek nayi video ke sath, aur yaad rakhiye mujhe apni duaon mein, kyunki I need your prayers a lot, okay, like some of the people you do. So I need your prayers a lot, do pray me, and milenge ek nayi video ke sath, tab tak ke liye.